बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अतीका खान के साथ वेलकम टू खाना सजाना विद अतीका। एक बड़ा ज़बरदस्त सैंडविच की रेसिपी, बारबेक्यू क्रैब सैंडविच, जिस हम तैयार करेंगे। बड़ी आसान सी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चले आए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस आप देखते हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दिया करें, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको भी दबा दिया करें ताकि रेसिपीज आप तो फ़ौरन से मिलती हो। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक चिकन फिले ले लिया है। आपने जितने सैंडविचेस बनाने हैं क्वान्टिटी उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने एक फिले बनाया था जिससे मैंने एक ही सैंडविच तैयार किया था। इसको हम पहले थोड़े सा मसाले वाला लगा लेंगे, जहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून के करीब लहसुन और अदरक दोनों का पाउडर मिक्स कर किया था। 1/2 टीस्पून के करीब वो मैंने इसको लगाया है। आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून केचप और 2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस इसको लगाकर 1/2 टीस्पून ही इसको नमक लगाएंगे। 1/2 टीस्पून के करीब लाल सुरख मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से आप इसको रब कर लें, मसाले इसको अच्छी तरह से लगा दें। फिर उसके बाद आपने एक फ्राई दूसरी जगह आप पैन ले लें। पैन के अंदर आपने इस चिकन को पीस को रख देना है और इसकी साइड को चेंज करते हुए मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको कुक कर लें तो ये बहुत अच्छा सा गल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इसको चारकोल स्मोक देना चाहते हैं, यानी कोयले की धुनी देना चाहते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त इसको उसके बगैर ही बना रही हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये देखें, तकरीबन 10 मिनट के अंदर हमारे पास चिकन फिले जो है वो टेंडर हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। तो इसको हम निकाल लेंगे और इसके हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस के अंदर या फिर लंबी स्ट्रिप्स के अंदर, ये आपकी अपनी चॉइस है, इन दोनों के अंदर हम इसको काट लेंगे। दूसरी तरफ इस एक सैंडविच के लिए हमें एक अदद फ्राई अंडा चाहिए होगा। यहाँ पैन में मैं थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ। आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं अंडा वगैरह देसी घी में ही बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर देसी घी ले लिया है। इसके अंदर चला जाएगा अंडा, तो हम एक फ्राई अंडा जो है वो तैयार कर लेंगे और इसको भी साइड पर रख देंगे। बारबेक्यू क्लब सैंडविच के लिए 4 स्लाइसेस हमें ब्रेड के चाहिए। इनके कॉर्नर्स को हम कट कर लेंगे। इनके कॉर्नर्स को कट करने के बाद एक अदद स्लाइस आपने लेना है और उसके ऊपर हम मायो लगा देंगे। मायो लगाने के बाद ये कुछ लेटस इसके ऊपर चली जाएगी, ये कुछ टोमेटो स्लाइसेस हैं और कोकम्बर स्लाइसेस यानी खीरा है, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसके ऊपर चला जाएगा ब्रेड का एक और स्लाइस, जिसके ऊपर जाएगा फ्राई अंडा। फ्राई अंडा रखने के बाद दोबारा से ब्रेड का स्लाइस ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम दोबारा से मायो लगा देंगे। और मायो लगाने के बाद ये जो चिकन बारबेक्यू चिकन हमने रेडी किया था ये इसके ऊपर चला जाएगा। इसको लगाने के बाद आप जो लास्ट वाला स्लाइस है उसके ऊपर केचप अप्लाई करें और केचप अप्लाई करने के बाद आप इसको इसके ऊपर रख दें। और ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत आसानी से ये तैयार हो जाता है। चिकन है, बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है। आप चिकन के फिले को इस तरह से मैरिनेट करके फ्रीज भी कर सकते हैं और जब आपको चाहिए आप उसको झटपट निकाल लें, ओवन में बेक करें या फ्राई पैन में बनाएं और जल्दी से ये क्लब सैंडविच जो है वो रेडी हो जाता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल बटन भी दबा दें। रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्नैक्स टाइम के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए या फिर अगर गेस्ट वगैरह आएँ तो आप इसको अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का सैंडविचेस है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलूंगी एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।